हमारे बीच एकता, सर्वधर्म सद्भावना और नारी जाति का सम्मान होगा। नारी विकास का मुद्दा तो समाज के हर तबके की औरतों के लिए जरूरी है, और अब मंत्री जी के धुआंधार भाषण के बाद आज शाम की आखिरी वक्ता वैश्या समाज के हक के बारे में बात करने जा रही है, उसी समाज की श्री मेरा मतलब है कुमारी। रहने दीजिए, इतनी अच्छी से पहचान करवाई है हमारी। नहीं, शुक्रिया। इन्हें बोलने में कंफ्यूजन हो रहा था, हम तो जी रहे। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाठीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। नमस्ते ए राजा, इधर आ, कुर्सी लेकर आ। थोड़ी सी कड़वी लगे लेकिन ध्यान से सुनना। आप लोग भी समाज के ठेकेदार जो हो, सीधा पॉइंट पे आती हूं मैं। यहां बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा, बिजनेस। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई चना बेचता है, कोई दारू, कोई कपड़ा, साबुन, बर्तन। एक नहीं भेजी भाई, दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। बदन तुड़वा कर काम करते हैं हम साहेब, क्या गलत करते हैं? इनको सिर्फ हमारी दुकान पे इतराज क्यों? सिर्फ हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर भी हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? आप लोग जानते हो दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वैश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? सच कहूं तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचते हैं, साली खत्म ही नहीं। इतनी तेज रोशनी में रहने की आदत नहीं है हमें, लाल बत्ती वाले हैं हम। आप हमें जो भी समझो, एकदम उसूल वाली औरतें हैं हम। ए तू बैठ ना राजा, दो मिनट के लिए क्या? चिक 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 चिक, मैं देती है बाद में फोन, शांति से बैठ तू। हमारे दरवाजे पे जो कोई भी आए, हम किसी को भी हिकारत से नहीं देखते, उसूल है हमारा भाई। हम ना वजह पूछते हैं ना जात, काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं, अमीर हो या गरीब, सबका रेट एक। जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हमसे ये भेदभाव क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? ये जो नेता अभी एकता सद्भावना की बात कर रहे थे, आएगा कभी हमारे मोहल्ले पे भी, हम आपको ये पाठ पढ़ाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, है हम जैसे पॉलिटिशियन के लिए वोट है हम, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है हम, मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए धंधे तो है सब। क्या है, हम दिल में आग और चेहरे पर गुलाब रखते हैं, मिटाकर आपके मर्दों की भूख हम तुम औरतों का रुबाब रखते हैं। सोचो तो, अगर कमाटीपुरा ना हो तो जंगल बन जाएगा ये शहर, औरतें हवस का शिकार होगी, परिवार बिखर जाएंगे, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का नाश हो जाएगा।
और इसके जिम्मेदार हो गया सिर्फ आप लोग। अरे हम औरतें सिर्फ आपकी आबरू की ही नहीं बल्कि समाज के भी पहरेदार हैं। इसलिए मुझे वैश्या होने पर उतना ही गुमान है जितना आपको डॉक्टर या टीचर होने पर है। तालियां तो बजा दी, लेकिन मजे की बात तो देखो, आप हमें ही बेघर कर देना चाहते हो, और अगर वो काफी नहीं था तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हो। एक सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, ईमानदारी से जवाब देना, क्या हमारे बच्चों को भी शिक्षा का हक है कि नहीं? हाँ, हमारे बच्चे भी आपके बच्चे की तरह हिंदुस्तान का कल है कि नहीं? तो बस ठान लिए गंगू ने, कमाठीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं दूंगी, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। तो मेरे श्रोतागणो, आज का भाषण पूरा हुआ। तेजी भाई लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुका कर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई।